नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईगल प्ले पर। दोस्तों ये वीडियो है ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज का एक और नया फ्रेश एपिसोड। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, 5 मिनट दीजिए, मैं आपको दुनिया से जुड़े रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन वीडियो को देखने के साथ साथ अपने तरफ से लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए बॉस, सबसे पहला न्यूज आ रहा है न्यूज। आज डॉक्टर अबुल पकीर जनरल अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन से भी जाना जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट, उनका जन्मदिन है। तो मैं पूरे ईगल टेक और ईगल प्ले फैमिली की तरफ से हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज आ रहे दिल्ली की तरफ से। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज एक नया कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से रिक्वेस्ट किया है कि जब भी आप रोड पे गाड़ी लेके चल रहे हो, आपको अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड दिख रहा है तो आप अपना गाड़ी के इंजन को बंद कर दो। उनका कहना है कि 1 करोड़ गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर हुआ है, मान के चलते कि 30 से 40 लाख गाड़ी हर दिन दिल्ली के रोड पे आती है। और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर रेड सिग्नल ऑन होने पे गाड़ी के इंजन को ऑफ किया जाता है तो दिल्ली का पोल्यूशन को बहुत कम किया जा सकता है। जब भी सर्दी का मौसम आता है तो दिल्ली में प्रदूषण का तो खबर आपको सुनने को मिलता ही है। उसी को टैकल करने के लिए यह नया कैंपेन है कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल आपको रेड दिखे, आप लोग प्लीज अपने गाड़ी के इंजन को ऑफ कर दीजिए। चलिए बॉस का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ सारे इंटरनेशनल न्यूज़। कर्गिस्तान से आज कर्गिस्तान के प्रेसिडेंट सूरनबाई जीनबेकोव ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। जो इलेक्शन हुआ था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, और पुतिन का कहना था कि वोट बाय किया गया है और काफ़ी चर्चे हो रहे थे, एक अशांति बनी हुई थी देश में। उसी के कारण प्रेसिडेंट का कहना था कि मेरे लिए देश का शांति सबसे ऊपर है, देश और देश में बसे लोगों के बीच में यूनिटी बनी रहनी चाहिए, और इसीलिए मैंने अपने पद से रिजाइन किया है। चलिए बॉस का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहे नागानो काराबाग इलाके से। आप सबको पता होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में सितंबर 27 तारीख से लड़ाई चल रही है, बहुत सारे जाने गई है। लास्ट टाइम खबर आया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया के दोनों ही फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को गए हुए थे, दोनों ने 10 घंटे तक मीटिंग की, फिर जो लड़ाई चल रही है उसको रोकने का फैसला लिया है। लेकिन नागोर्नो के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अभी भी लड़ाई चल रही है और आज ही 49 मिलिट्री हमारे मारे गए हैं। जब से ये लड़ाई चालू हुई है तब से लेकर आज तक 604 मिलिट्री पर्सन हमारे तरफ से मारे जा चुके हैं, और ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे पहले 1990 में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जहां पे 3000 लोग मारे गए थे, उसके बाद से लेकर आज तक ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देशों के बीच में। ये बात का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है टेक न्यूज़। फेस्टिव सेल को लेके ऑलरेडी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे चालू हो चुका है प्लस मेंबर के लिए, आज रात 12 बजे से सबके लिए चालू हो जाएगा। ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल भी आज रात 12 बजे से प्राइम यूजर के लिए चालू हो जाएगा, फिर 17 तारीख से सबके लिए चालू हो जाएगा। तो आप लोग मेक श्योर करना, जो भी चीज आप लोग खरीदना चाहते हो जरूर से उसे खरीदे। अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो फ्लिपकार्ट से खरीदो, HDFC का कार्ड है तो Amazon से जाके खरीदो। बिग बिलियन डे और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल में कैसे आपको पैसे और भी ज्यादा बचाना है, आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है ईगल टेक चैनल पे, मैंने पोस्ट किया है, आप अगर देखना चाहते हो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख सकते हो। और आप लोग इस सेल के दौरान क्या कुछ चीज खरीदने वाले हो, मेन फोकस करके रखे थे, बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट पे जरूर से बताना। चलिए बॉस का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों यूट्यूब की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि COVID-19 वैक्सीन रिलेटेड जो भी वीडियोस अभी यूट्यूब पे बन रहे हैं, अगर कोई भी वीडियो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा तो हम उस वीडियो को रिमूव करेंगे। फॉल्सहुड और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अगेंस्ट पे यूट्यूब के बहुत सारे रूल्स हैं, उसी के बदौलत YouTube का कहना है कि अभी बहुत सारे COVID-19 वैक्सीन रिलेटेड वीडियोस बन रहे हैं जहां पे कुछ भी बताया जा रहा है। कोई कोई बता रहा है कि वैक्सीन लोगे तो आप पे साइड इफेक्ट्स दिखा जाएगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इन्हें ना तो WHO ने बताया है ना ही किसी लोकल हेल्थ अथॉरिटी ने बताया है। तो यूट्यूब COVID-19 वैक्सीन रिलेटेड जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनके अगेंस्ट में अभी स्टेप लेने वाला है, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होगा तो उसको यूट्यूब डिलीट कर देगा। चलिए बॉस का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स न्यूज़। कल दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल के बीच में जो मैच खेला गया वो काफ़ी रोमांचक रहा, यहाँ पे दिल्ली कैपिटल राजस्थान रॉयल को हराया और 12 अंकों के साथ में अभी IPL के पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर बैठा हुआ है। कल के मैच पे दिल्ली कैपिटल के कैप्टन सुरेश अय्यर को चोट भी लगी। दिल्ली कैपिटल के पेसर नोकिया ने कल फास्टेस्ट बॉल ऑफ IPL 156 किलोमीटर के स्पीड से डाले, एक बॉल था 155 किलोमीटर, एक बॉल की स्पीड थी 156 किलोमीटर। बस का मानिक्स न्यूज़। विराट कोहली आज किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में जो मैच खेले उसी के साथ वो बन गए हैं पहला खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी एक टीम के साथ में 200 मैच खेला हो। RCB के साथ में वो पहले से बने हुए हैं, और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में जो आज मैच हुआ उसी के बदौलत तो 200 मैच खेल चुके हैं RCB के साथ में, और एक ही टीम के साथ में 200 T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। फिर आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ एंटरटेनमेंट के सेक्शन से। बंगाल के लेजेंडरी एक्टर सौमित्र चटर्जी जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, आज खबर आ रही है कि उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन अभी भी
उनका कंडीशन नॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन वो वर्बल कमांड पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपनी आंखें खोल पा रहे हैं, उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है सलमान खान फैंस के लिए। सलमान खान का नेक्स्ट फिल्म आने वाला है राधे योर मोस्ट वांटेड हीरो। ये ऑफिशियल है कि राधे योर मोस्ट वांटेड हीरो का शूटिंग कंप्लीट हो गया। उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रभु देवा। उस फिल्म में सलमान खान के साथ साथ में आपको दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। चलिए, मुझे मेरे की आपको बहुत पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।